अहम मसले की गल करनी है जिहड़ा साडे सूबे दे नाल साडे कौम दे नाल साडे भविख दे नाल जुड़िया होया वा। और वह मसला है कि पिछले दिन ही दरबार साहब विखे अकाल तख्त साहब विखे 6 जून नूं जिहड़े समागम होए हर साल की तरह के जो हमला होया सी 1984 उस नूं लैके उहदे विच ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जिहड़े अकाल तख्त साहब के जथेदार ने उन्हां दी मैं तकरीर सुनी आ। बहुत बादलील उन्हां दी तकरीर सी और उन्हां दा जिहड़ा पत्रकारां दे नाल जिहड़ी सी इंट्रोडक्शन ते गलबात सी वह भी मैं सुनी। पत्रकार उन्हां नूं दुबारा दुबारा पुछ रहे सी कुछ पत्रकार कि खालिस्तान बारे तुहाडा की विचार है, खालिस्तान बारे तुहाडा की विचार है, खालिस्तान बारे की तुहाडा विचार है। तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार साहब ने कहा कि अगर सानू भारत की सरकार खालिस्तान दे देवेगी तो असीं लै लांगे। इस गल दे उत्ते फिर बहुत बवाल उठा, बहुत सारे टेलीविजन स्टूडियोज डिबेट्स डिस्कशनस हुए और मैं कुछ दिनों तो देख रहा सीगा कि जिहड़े पंजाब दे आगू ने वो जो खालिस्तान का जिक्र आता बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं और बड़ा बेतुकियां दलीलों के बड़े आप हुदरे बयान देंगे ने घबराहट में आ के, क्योंकि जो तुम मन तो सच्ची गल नहीं कह रहे बनौटी गल कहते हो तो तुम कहीं ना कहीं धोखा खाओगे। मैं खालिस्तान का हमायती नहीं कर, मैं कोई खालिस्तान की सपोर्ट नहीं करता, पर जिहड़ा ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार साहब ने दलील दिती एक वितकरे की दास्तान गनाई उन्होंने पूरी कि इस तरह जिहड़े सिख सीगे पंजाबी सब तो वड्डा खमियाजा उन्होंने जिहड़ा पाकिस्तान ते भारत का बंटवारा होया उहदे विच सब तो ज़्यादा नुकसान सिखां ने ते पंजाबियों ने उठाया, जायदादां उजड़ गईयां, कतलो गारत हुई, लाशां डिग्गियां और बहुत वड्डी तादाद में शायद एड्डा वड्डा होलोकॉस्ट कभी आम इतिहास में नहीं देखने को मिलिया। पर उन्होंने भारत का साथ देने का निर्णय लिया और इस तो पहला जो अंग्रेजों के नाल लड़ाई चल रही थी तो ये कोई अथकथनी नहीं गई कि सब तो वड्डा योगदान भी उस वक्त बहादुर पंजाबियों ते सिखां ने पाया। आप भगत सिंह होना की सुखदेव राजगुरु की गल जानते हैं, करनैल सिंह ईसूरी की कुरबानी जानते हैं, कितने गोवा इस देश की आज़ादी में सब तो ज़्यादा फांसियां दे रस्से सिखां ने ते पंजाबियों ने चुमे, दूर दराडे काले पानी दियां कैदां कट्टियां, भारत आज़ाद हो गया। सारे सूबियां नूं ज्ञानी जी कह रहे ने, मैं नहीं कह रहा, सारे सूबियां नूं अपनी भाषा के आधार के उत्ते सूबे बनाउण दा अधिकार मिल गया, चाहे वह तमिलनाडु सी, चाहे वह केरला सी, चाहे वह आंध्र प्रदेश सी, पंजाब नूं पंजाबी जुबान के आधार के उत्ते अपना सूबा नहीं बनाउण दित्ता। फिर साडे पुरखियां ने मोर्चा लाउणा पिया, जदोजहद करनी पई, कुरबानियां देनियां पईयां, बहुत मुश्किल दे नाल 1966 दे विच अज जिहड़ा पंजाब जिस शक्ल में वह सानूं पंजाब मिलिया, पर मिलिया लंगड़ा लूला, साडी राजधानी चंडीगढ़ साढ़े तो बाहर कर दित्ती गई। जिस हरियाणे ने कोई जदोजहद नहीं की, कोई मंग नहीं की सूबे की, उन्होंने ऑटोमैटिकली सूबा मिल गया। जिस हिमाचल प्रदेश ने कभी स्टेट की मंग नहीं की, उन्होंने शिमले की राजधानी भी मिल गई तो उन्होंने सूबा भी मिल गया, साडी पंजाबी बोलते इलाके बाहर रह गए। और इत्थे बस नहीं, छेती उस वक्त की भारत की सरकार ने यूनीलैटरली पानिया का अवार्ड कर दिता, साडे दरियाई पानी जिहड़े इंटरनेशनल रिपेरियन लॉज नूं छिक्के ते टंग के वह सारे पानी चक के बहुत वड्डी तादाद मिलियन एकड़ फुटां दे विच MAF दे विच राजस्थान नूं देते, हरियाणे नूं देते, दिल्ली नूं देते। ये कोई छोटा वितकरा नहीं सीगा, ये सानूं भारत की आज़ादी में योगदान पाउण वास्ते ते पाकिस्तान तो उजड़ के भारत में आउण वास्ते ते इस देश का साथ देण वास्ते इहदा भविख बनाउण वास्ते सानूं पहला तोहफा दिता गया। पर सिख ते बहादुर पंजाबी कदी पिछे नहीं हटे, चाहे वह 71 की जंग से पाकिस्तान के नाल, चाहे वह चीन के नाल जंग सी, चाहे हुण ताज़ियां कारगिल दियां जंगां सी, सब तो ज़्यादा फिर मूहरे हो के पंजाबियों ने लड़ाइया लड़िया और फिर उन्होंने ही जिहड़े शरीर सीगे खफना दे विच उन्होंने पिंडां विच पहुंचे, पर फिर भी पिछे नहीं हटे। पानिया के इस काणी वंड तो बाद, इस वितकरे तो बाद
फिर दरबार साहब से जो 1984 हमला होया वो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स से सारी सरकार को पता सीगा कि उदों शहीदी पुरब चल रहे ने बहुत वड्डी तादाद में श्रद्धालु सारे औरतां बच्चे बजुर्ग दरबार साहब के अंदर हफ्ता वेट भी कर सकती सी सरकार लेकिन शायद ऐ लगता कि उन्होंने उही दिन चुने और एक बहुत वड्डा तोपां ते टैंकां दे नाल अकाल तख्त साहब ते हमला होया। अकाल तख्त साहब तो टट गया पर विचारधारा नहीं टटी, शायद जानते नहीं गए। इदां तां फिर कई बार नसलकुशी घल्लू घारे होए सिखां दे मुगलां ने अबदालियां ने दुरानियां ने साढ़े दो वड्डे घल्लू घारे इतिहास में दर्ज ने हज़ारां की तादाद में बेगुनाह बच्चों ते औरतों नूं मारता सीगा पर इदां तां सिख नहीं सी मुके। उस तो बाद 1984 के नवंबर दे विच फिर एक बार सिख कौम का कतलेआम होया हज़ारां की तादाद। मैं हुण उहदे विच शब्द नहीं वरतना चाहता, बलात्कार टैर पा के वगैरह वगैरह सब कुछ किया गया। तो मैं अपने आगुओं को पूछना चाहता वा जिहड़ा ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने गल कही है, तुसीं बात लील देखो साढ़े नाल एक वितकरा दी दास्तान है। मैं तो सिर्फ भारत सरकार तो जिहड़े अज राज करदे ने देश विच जिहड़ियां पुरानियां पार्टियां सीगियां उन्हां नूं सोचना चाहिए वा कि नौबत क्यों आ रही है। जिहड़ी कौम देश की आज़ादी में सब तो हिस्सा पाउंदी है, बॉर्डर से राखी करती है, खेडों में सब तो अगे जाती है, हर गल में, बल्कि मैं भुल चलिया सीगा अनाज में योगदान पाया। जो सारा देश भुखा सौंदा सी पंजाब ने सारे देश का अनाज का ढिड भरिया, अजो आप भुखे ने किसान। तो भारत सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि जिहड़ी कौम साढ़े लिए लड़ती आ जूझती आ मरती आ घर उजाड़ के आँदी आ इन्हों कोई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इन्हों का ध्यान रखना चाहिए। और एक कमिटमेंट सीगिया उस वक्त के कांग्रेस के लीडर पंडित जवाहर लाल नेहरू होना ने जो सिखा वू किया जी उस वक्त की लीडरशिप से मास्टर तारा सिंह जी उन्होंने भरोसा दवाया गया कि जो साढ़े ना आओगे असं आर्थिक तरक्की का ध्यान रखा, थोड़ी धार्मिक परिपक्वता आज़ादी का ध्यान रखा, तो थोड़ा जोड़ा है इस देश में पूरा मान सत्कार दिता जाऊगा। तो आ मान सत्कार की दास्तान तो थोड़ा मैं हमने गिणाती जी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार अकाल तख्त साहब ने। सो मैं कहना चाहना अपने साथियों को चाहे वह आम आदमी पार्टी के कुछ लोग तो यह भी कह गए घबराहट में आन के किसी घर में परिवार पैदा होना मेरा कसूर नहीं सी। वो अपने पैदा होने भी की कहें हो रहे कि मैं कह सकता पैदा होने भी उन्होंने पछतावा हो रहा वा। कुछ साढ़े होर विद्वान आगू ने जोड़े वो अपने आप को कहें असी सैकुलर असी नैशनलिस्ट हैं असी खालिस्तान की मांग के उल्ट हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ना मैं कोई वायलेंस सपोर्ट करता, पर मैं एक गल दस्यो हुण खालिस्तान कोई गल करे तो एडा वड्डा विवाद शोर सारे टैलीविजन के उत्ते डिबेट चैनल तो गाली गलोच तो साढ़े आगू भी बेचारे इन्ने डर जाते हैं कि ना 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 असं तो बहुत वड्डे सैकुलर हैं असं नैशनलिस्ट हैं। तो जो इस देश के जिम्मेवार पार्टियां BJP RSS विश्व हिंदू परिषद के जिम्मेवार आगू कई बार मैंबर पार्लियामेंट वो जो हिंदू राष्ट्र की गल करते हैं इस देश में कि वह वक्खवादी एजेंडा नहीं गा कि वह इस देश में की कहते होंगे अलगवादी एजेंडा नहीं गा कि वह इस देश को तोड़न दे क्योंकि इस देश में पांत पांत के धर्म ने बहुत सारिया माइनोरिटीज़ ने जैनी ने बोधी ने ईसाई ने मुसलमान ने सिख ने दलित ने कि उन्हों का कोई हकूक नहीं गा। वो राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद की गल कर फिर भी नैशनलिस्ट ने ते जे कोई उठ के माड़ा जा टिप्पणी भी कर दे सपोर्ट नहीं करता वो कहता चंगा जे भारत सरकार दिंदी है तो असं लै लेंगे क्योंकि किसू अपना घर चंगा नहीं लगता। साडा तां पछोकड़ रहा वा महाराजा रणजीत सिंह का आजाद सिख राज तुसीं सारे जानते हो, मैनूं कहण दी लोड़ नहीं 40 साल गोल्डन पीरियड है इस एशियाई मुल्कां दी जिहड़ी इतिहास है सब नूं माण दित्ता उन्होंने। उन्होंने तोपखाने में पठान सी मुगल सीगे, उन्होंने जिहड़े फौजी जरनैल सीगे वह फ्रेंच जनरल सीगे, उन्होंने जिहड़े फॉरन मिनिस्टर से वह फकीर अजीजुद्दीन पाकिस्तान के सीगे मुसलमान, उन्होंने जिहड़े ट्रेजरर सीगे वह साडे सत्कारयोग हिंदू वीरां नूं उन्होंने दीवान साहब उन्होंने दिता सी मान सत्कार। अफकोर्स सिख तो उन्होंने फौजां दे जनरल सीगे। वह इस तरह का राज है एक भी व्यक्ति उदों कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई, एक भी बंदे नूं फांसी का
कोई सजा नहीं दी गई, सर्वधर्म सारिया धर्मां का मान सत्कार किया। तो मैं तो सिर्फ अपने वीरां नूं कहना चाहुंदा वा कि इन्नी डरदी क्यों तुसीं, हाँ दलील नाल गल करो। आ सारिया जिहड़ियां गल्लां ग्यानी हरप्रीत सिंह जी अकाल तख्त दे जथेदार ने गणाईआं, ये गणाउण मैनू श्रोमणी अकाली दल ते भी थोड़ा अफसोस आ कि तुसीं तां यारो एक सिखां दी जमात सी, अपने पुरखियां ने गुरद्वारा साहब जो आज़ाद कराए, महंता नाल लड़ाइया लड़िया, उत्थों पैदा होए तुसीं, गुरद्वारा लहर चों श्रोमणी अकाली दल बनिया, मोर्चे धर्म युद्ध का मोर्चा, कपूरी का मोर्चा, पंजाबी सूबे का मोर्चा, चाबिया का मोर्चा, किन्ने मोर्चे लाए, किन्निया ने शहादत दित्तियां। तुसीं भी डरते हो, तुसीं सगों उन्हां नूं पूरी दलील दे के जिहड़ी जथेदार साहब ने दित्ती समझाओ कि साढ़े नाल वितकरा हो रहा, तां इह बेचैनी हो रही है। जिहड़ा 2020 का भी शोर मचा सी जदों मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सीगा, मैं इसे तरीके नाल दलील दित्ती सीगी, हले सुनदे कोई नहीं गए इंटरव्यू विचार, पहला इल्जाम यह वक्खवादी है, यह अतवादी है। तो जिहड़ा अतवाद स्टेट स्पोंसर्ड टेररिज्म साढ़े उत्ते कहर मचाया गया, जिहड़ा हजारां की तादाद में बेगुनाह औरतां बच्चियां बजुर्गों 1984 दे विच ना सिर्फ दिल्ली बल्कि सारे देश दे विच कतलोगारत किया गया, वह स्टेट स्पोंसर्ड टेररिज्म नहीं सीगा। मैं वायलेंस के हक च नहीं गा, मैं खिलाफ हाँ, पर जो इंडिविजुअल वायलेंस करते हैं ना, उन्हां वास्ते अपने कोल मशीन है, अपने कोल संविधान है, अपने कोल कोर्ट ने, अपने कोल कचहरियां, अपने कोल पुलिस है, सजा दिओ उन्हां नूं। ते जे उही काम स्टेट जिहड़ी कि ऑर्गेनाइज्ड एक पावर है, जे उही लोगों नूं बेदोशियों नूं मारन ते उतर आवे, उसनों अतवाद नहीं कहिंदे तां की होर कहिंदे ने। सुमेध सिंह सैनी, KPS गिल, JF रबेरो, जिहड़े लोगों ने झूठे पुलिस मुकाबलों में चक के अपने सिख नौजवान बच्चों मारिया, उन्होंने अतवादी नहीं कहोगे तो होर की कहोगे दसो? और 36 साल अज तक कोई इंसाफ नहीं होया, कह कोई है किसी को जवाब? और मैं अफसोस ना कहना पैंदा साढ़े अकाली वीर, साढ़े आम आदमी दे, साढ़े उन्होंने यही जोर लगा रहिंदा कि असी सैकुलर हाँ, असी नैशनलिस्ट हाँ, साड़ी पार्टी सारे धर्मां का सत्कार करती, करना चाहिए वा, पर इन्ना डरते क्यों, इन्ना घबराते क्यों? हले भी सानू सर्टिफिकेट देना पवेगा भारत में रहने वास्ते कि असी देश भगत हैं, इन्ना कुछ करन तो बाद इन्निया कुर्बानियां, इन्ने फांसियां, भगत सिंह वर्गे बहादुर योधे अनेक ने, हले मैं गिना नहीं सकता क्योंकि समा इजाजत नहीं दिंदा, सारा इस देश का अनाज का भंडार भर दिता, बॉर्डर के उत्ते राखी कर दी, स्पोर्ट्स नंबर एक के उत्ते लै गए मिल्खा सिंह जी वर्गे, और होर बहुत सारे हॉकी के साडे खिडारी अज की डेट में प्रगट सिंह बैठे ने जलंधर के MLA, इन्होंने जो जाके बाहर झंडा झूलदा ओलंपिक्स के साड़ी भारत की शान बनती है ना, पर फिर भी सानू ये हले सर्टिफिकेट देना पैंदा वा कि असी नैशनलिस्ट हाँ। जिहड़े सुमेध सिंह सैनी, इन्हों कोई सर्टिफिकेट नहीं, बंदे भी मार देन, KPS गिल साहब, JF रबेरो, दिल्ली में पुलिस की हाजिरी में राष्ट्र राजधानी के एडे वे पद्धर से कतलोगारत हो जाए, उन्होंने लोगों को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। इसलिए मेरे वीरो, इस करके असं कहने कि सू खेतरी पार्टी की लड़ है, श्रोमणी अकाली दल साड़ी बेस्ट पार्टी सी, अनफॉर्चुनेटली साढ़े जो इस परिवार के हाथ में आ गए, उन्होंने सारा उसका एजेंडा खत्म कर दिता, वह जोड़ा जे साडे सूबे दे साडे कौम दे इंटरस्ट सीगे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करता, सिर्फ सत्ता में रहने वास्ते, थोड़ा बहुत व्यापार चलाने वास्ते, थोड़े बहुत धन दौलत इकट्ठा करने वास्ते। जे अज फर्ज करो पंजाब दे विच जेन्युइन रीजनल पार्टी हो गई, जिहड़ी आ 10 गल्ला जिहड़े वितकरे होए ने, ते 10 गल्ला जिहड़े साडे पंजाब नूं इस वक्त चुनौतियां दरपेश ने, चाहे वह ड्रग्स की है, चाहे वह आर्थिक संकट की है, चाहे वह एजुकेशन की है, चाहे वह हेल्थ केयर की है, चाहे वह करप्शन की है, चाहे वह जिहड़ियां सानू किसानां दी आत्महत्या, चाहे वह दलितां दीआं ने, चाहे वह गुरबत की, चाहे वह मिडिल क्लास की, चाहे इंडस्ट्री की है, 10 गल्लां तो ज़्यादा नहीं गई कि असी पंजाब दे विच एडे ना अहल ते नलायक बंदे आ पंजाब दे विच कि 3.25 करोड़ आबादी चों साडे कोल 5-7-10 बंदे चंगे नहीं गए जिहड़े पंजाब नूं अपनी अगवाई कर सकन। और ये जिहड़ा मैं अज तुहानूं ये गल दित्ता, मैं उदाहरण दे रहा कि किस तरह पूछ लैके भजदे ने दूजियां पार्टियां वाले, क्योंकि उन्होंने उत्थे भी वोटां लैणियां ने। कांग्रेस ने भी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वोटां लैणियां ने। दे कैनॉट स्पीक फॉर द इंटरस्ट ऑफ पंजाब
the way that Punjab leaders can speak here in Punjab. ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਲੰਚਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ 36-36 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੀਗਾ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੀਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਲੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਈਂਡ ਯੂ, ਮੈਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਫੌਜੀ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਫੇਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਖਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਰਨਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਇਹ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਰੋਹਿੰਗਾਜ਼ ਦਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਆਉਣ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਵੇ, ਮਾਈਗਰੇਂਟ ਲੇਬਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅਲੱਗਵਾਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਟਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ GST ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
बनिया बनाइया दिल्लियों आदि सर्व सिक्ख्या अभियान दिल्लियों रूरल हेल्थ मिशन दिल्लियों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिल्लियों लेबर की मनरेगा स्कीम दिल्लियों कभी हो सकता वा कि जिहड़ी चीज़ केरला तमिलनाडु ते आंध्रा च लागू होंदी है उही गल पंजाब च लागू हो जाएगी। पैसे वेस्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सो आनंदपुर साहब के मते विच कुछ भी एंटी नैशनल नहीं सीगा, पर इदां ही ड्रा ड्रा के टीवीज ने मीडिया अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से बगैर समझे देखे इन्ना डराया कि साढ़े अकाली दल के आगू आनंदपुर के मते नूं ही छड्ड गए। उस मते विच अज भी अच्छी तरह देख लो उन्होंने कहा सीगा शायद चार डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखे, डिफेंस कम्यूनीकेशन फाइनैंस एंड एक होर सीगा कोई शायद एक्सटर्नल अफेयर्स, बाकी सारे महकमे स्टेटा अमेरिका दे विच सारिया स्टेटा अधिकार है, स्टेटा नहीं काउंटीज़ नूं जिले नूं अपना अधिकार है, अपना मेयर चुन लेंदे ने, अपनी पुलिस ला लेंदे ने, देख लो कित्थे पहुंचा हुआ देश। इसलिए मेरे सारे वीरां नूं अज दे इस बहुत संजीदा सबजैक्ट ते मेरी बेनती है एक तो पंजाब दे आगूआं नूं ते इदां डर के घबरा के भज्जो ना, दलील पेश करो, अपने हकूक मंगो, जो साडे नाल वितकरा होया उसका इंसाफ मंगो। तो दूसरा हैगा कि केंद्र सरकार नूं समझना चाहिए वा, मैं किसी विश पार्टी विशेष नूं नहीं कह रहा, सारिया ही पार्टियां दे लोगों नूं मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि देखो तो सही तुसीं की कुछ कीता साडे नाल। इहदे बाद इहदे बावजूद भी सिख जिहड़े ने वो पंजाबी ने वो इस देश की तरक्की में सब तो अगे हिस्सा पा रहे। यह समा मंगता कि 36 साल पहला होया बेल साहब ने उसको सैटराइट कर दो, कुछ भी नहीं गा काम, कुछ भी नहीं गा गवर्नमेंटा चाहन, ये हफ्त्या महीनिया का काम है सजा देनी। इसलिए एक तो वो ठीक करो तो एक स्टेटा उन्होंने अधिकार वापस दो। तुम जम्मू कश्मीर जरा बिल पास किया वह फायदा नहीं होया, तुम दसो कि ने जाके जम्मू कश्मीर के बहरलिया ने जाके उ प्रॉपर्टीज़ से जमीन लै रही ने लिया किसी ने, तो मकसद तो यह सगा कि 370 धारा तोड़ के जम्मू कश्मीर के दो टोटे करके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी बना के असी उ डेमोग्राफिक चेंज लियावे, असं बहरों भारत में बंदे भेज के उत्थे वैली के आबादी का संतुलन खत्म कर देंगे। कोई गया उ कोई जाएगा उत्थे इस तरह के भयभीत माहौल में उन्होंने एक मजाक होया उन्होंने उन्होंने जख्मों से जिदा जेनुअनली किसी कहें कि लून छिड़कन के बराबर वो सारी गल की गई है, उसमें भी सुधार करना चाहिए। वह भी माइनोरिटीज़ ने, वह भी इस देश में घट गिनती ने, जो आप घट गिनती इस तरीके टेरराइज करा स्टेट टेररिजम के थ्रू आ जरा सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया CAA कल एक मुसलमानों टारगेट करके कहता कि तुम असं नागरिकता नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे की कर दिता उन्होंने जिहड़े बैठे ने सारे देश में की माड़ा किया उन्होंने, की उन्होंने बाकी नागरिकों वांगू टैक्स नहीं दिता, या उन्होंने इस देश की हिफाजत में फौजां च नहीं गए, बहुत सारे मुसलमान फौज में फड़दे ने। सो मैं जात पात धर्म में फिर नहीं जाना चाहता, असी सब का सत्कार करते हैं, पर जिहड़ा ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार अकाल तख्त साहब, वैसे नॉर्मली आई डू नॉट सपोर्ट जथेदार जिहड़े बादल साहब के SGPC के अपॉइंटेड ने, पर उन्हें गलबात दलील की है, मैं उन्होंने इस दलील की ताईद करता वा और फिर रीइटरेट करता वा कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए वा, ताइयों यह मंगा उठदिया ने, यह मंगा उठन की लोड़ ही ना पवे, भारत सरकार इस तरह ना डील करे कि यह मंगा नू उठन वास्ते नौबती ना आवे। मैं उम्मीद है कि जिहड़े पंजाब दे आगू ने वो मैं कोई ज़्यादा सियाणा नहीं गा, पर इन्ना घबराहट विच आण के अपने ही टब्बरां ते उंगलियां चक लैणियां या अपने ही लोगों नू अतवादी ते वक्खवादी ते पता नहीं की कुछ इल्जाम ला देना शुभता नहीं। उम्मीद करता जिहड़े समझदार लोग ने, चाहे वह मेरे हिंदू भरा ने, चाहे वह मुसलमान ने, चाहे सिख जैनी बोधी, जिहड़े समझदार ने वो इस गल नू एक पॉजिटिव परस्पेक्टिव च रहन, नैगेटिव च नहीं लैणगे, ते जिहड़े ना समझ ने जिन्होंने सौं खाधी आ कि असीं गाल कढ़नी आ अपनी धी भैण आप ही गाल कढ़नी आप ही उन्होंने सामने जो लिखांगे तुहाडियां धीआं भैणां पढ़नियां उन्होंने खुली आजादी कि तुसीं जो कुछ मर्जी लिख सकते हो। और फिर मैं रीइटरेट करदा कि पंजाब नू एक खेतरी पार्टी की जोड़ है जिहड़े तुहाडे हकूक नू सही मायनियां विच डिफेंड कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सारिआं दा, धन्नवाद, थैंक यू।